लाल दरवाजा में हूँ। अहमदाबाद के जो एक विस्तार है लाल दरवाजा, वहाँ पे मिर्जापुर एरिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे एक एरिया है बाकर अली की वाड़ी, इसमें एक हमारे साथ में है अर्जुन भाई करके, जो यहाँ पे ये एरिया में रहते हैं और यहाँ के लोगों को ये खुद का जो जिम्मेदारी समझते हुए ये लोगों को जागृत करते हैं और अपने जहाँ पे भी रहते हैं ये एरिया को पूरा सफाई डेली कराते हैं वो, और लोगों को बोलते हैं कि भाई दूर बैठो, उनको हमेशा जो मतलब जागृत का काम करते हैं, जो कोरोना क्या है इससे लोगों में जागृत होना अभी जरूरी है। अगर कोरोना को भगाना है तो जागृति अपने आप में जरूरी है। तो आइए बात करते हैं हम अर्जुन भाई से। अर्जुन भाई, इसमें आप क्या क्या करते हैं कोरोना से, जैसे विषय में लोगों को जागृत करने के लिए होते हैं? हम लोगों को ये बता रहे हैं कि मुंह के ऊपर मास्क बांधे, रूमाल बांध के रखिए और दो दो दूरी में बैठिए, बहुत ज्यादा टोला बैठने की जरूरत नहीं है, और सफाई बिंदास करके पानी भी छिंटवाते, दवा भी छिंटवाते, और लोगों से जागृत कर रहे हैं कि ये कोरोना को हराना है, भगाना है। और पुलिस का भी बंदोबस्त बहुत अच्छी तरह से है यहाँ, और पुलिस भी आगे उनको भी सहकार देते हैं, जैसे एक्सपॉर्ट भी कभी जाती है तो उनको भी रास्ता भी दिखा देते हैं कि साहब यहाँ से जाओ जल्दी होगा, यहाँ से जाओ तो जल्दी होगा। अगर वो अनुपूर्णा जो सरकार ने राहत दी है, जो कॉर्पोरेशन से आए थे, उन लोगों का सब फॉर्म भर के सबको पीट के वितरण भी कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने बताया कि अपने जो लोकल जिम्मेदारी के साथ में पुलिस को भी ये लोग सहायता करते हैं, अगर पुलिस को कहीं पे जाना है तो उनका रास्ता बताना, और जो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो अनाज जो दिए जाते हैं, किट दिए जाते हैं, ये लोग उसके हेल्प करते हैं कि कैसे इजीली और सही लोगों के पास में जो ये किट पहुंचाया जाए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग जब आए तो देखे कि सब लोग दूरी बना के बैठे हुए। यहाँ मंदिर है, ये बाबा जी भी इवन यहाँ पे जो है मास्क लगा के बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ अर्जुन भाई के तहत, और ऐसे ही हर एक सोसाइटी के नागरिक को होना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी खुद की समझ के और पुलिस को और प्रशासन को सपोर्ट करें।